मेरे किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो अभी सुबह का समय है और हम लोग पूरा अभी पूरा पानी आ रहा है पिछले 2 दिनों से। तो मैंने सोचा चलो मेरा मुर्गी को भी आप लोग को दिखा दूँ कि मेरे पास अभी कितना मुर्गी बचे हुए हैं, ताकि अगर आप लोग के पास भी 2-4 मुर्गियाँ हैं तो कैसे आप लोग मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा मुर्गी कितने सारे हैं। और आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा गन्ना का खेत है मेरा ही है, और ये मेरा छोटा वाला झोपड़ी। तो पिछले किसान भाइयों ने, जितने लोग भी मेरे यूट्यूब को देखे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो है, तो उन लोग को पता होगा ये हम यहीं पर मुर्गी पालन करते हैं 2-4 मुर्गियाँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरे अभी मुर्गियाँ कितने हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है और अभी ही मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया हूँ और अभी सारे मुर्गियों को यहाँ पे दाना दे चुका हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं मेरे किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा हमारा मुर्गा है। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा बड़ा वाला मुर्गा है, ये बड़े टांग वाले मुर्गा, ये हमने लाया हूँ इसको ब्रीड बढ़ाने, क्योंकि ये मुर्गा हमने छोटा वाला देसी मुर्गा था तो उसको हमने मेरा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ले गए हैं। और ये अभी छोटे बड़े नस्ल वाले जिसके पैर टांग लंबे होते हैं वो वाली नस्ल को लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं ये, इस मुर्गी का क्या नाम है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे पास अभी कुछ हमने कड़कनाथ का भी मुर्गी लाया था 2, तो मुर्गा मर गया है, तो उससे जो भी चूजे निकले थे वो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कड़कनाथ के मुर्गियां हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले हमारे प्योर देसी मुर्गी हैं, और उनके आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। हमने अभी चावल का दाना दिए हैं, खुद ही चावल, आप लोग देख सकते हैं अभी सारे मुर्गियां यहाँ पे खा रही है। और ये अभी 1.5 से 2 मंथ वाले चूजे हैं, आप लोग को देखने में छोटा लग रहा होगा पर ये 1.5 से 2 मंथ वाले चूजे हैं। और ये मेरा कड़कनाथ का मुर्गी है। तो इधर भी कुछ छोटे चूजे हैं, 1 मंथ वाले, 1.5 मंथ वाले, आप लोग देख सकते हैं। और हम इन चूजों को अभी खुद ही चावल दे चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने चाव से खा रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम थोड़ा सा क्योंकि मॉर्निंग में मुर्गियां रात भर भूखी रहती हैं, इस वजह से सुबह को थोड़ा सा नाश्ता के तौर पर दाना उना देते हैं। उसके बाद दिन भर मुर्गी मेरे फ्री रेंज में ही चरते हैं। और क्योंकि यहाँ मेरा खुद का गन्ना का खेत है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहीं अंदर में घुस घुस के जहाँ जो भी कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह मिलती है तो उनको खाती है। और घास फूस भी हो जाता है, जैसे कि ग्रीन चारा वगैरह होता है, उस सबको मेरे मुर्गी खा लेती है इधर उधर घूम घाम के। तो यही मेरा छोटा सा अपडेट था, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था काम की वजह से। तो अब से कोशिश करूँगा डेली वीडियो आप लोग को देने का। तो जो भी मेरे किसान भाइयों, अगर आप लोग को प्योर देसी मुर्गी से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी अच्छी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आप लोग को ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अभी सावन का जैसे ही महीना ख़त्म हो चुका है, तो अभी मुर्गी का रेट हाई हो गया है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 350 से 400 रुपये तक जा रहे हैं ज़िंदा मुर्गी बिकने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा ये देसी मुर्गी कितने बड़े बड़े हैं। और हमारे अभी मुर्गियां का बात करूँ तो 1, 2, 3 मुर्गी यहाँ पे है, और एक मुर्गी अभी खुड़क बैठी हुई है, वो जस्ट अभी चूजा निकाल चुकी है, तो वो अभी अपने घोंसले में ही है, वो बैठी हुई है, तो उसको अभी हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बारिश वगैरह आ रही है। तो चूजे, अगर मुर्गियां अपने चूजे को साथ में घुमाएगी तो छोटे चूजे भींग जाएंगी, इस कारण से चूजे मर जाएगी, इसलिए हम अभी उस चूजे को घर में ही रखेंगे और घर से ही खाना चारा पानी वगैरह उसको देंगे जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, अच्छी तरह से घूम फिर सके, क्योंकि मुर्गियां जब घूमने लगती है तो छोटे चूजा भींग के ठिठुर के मर जाती है। तो दोस्तों आप लोग को हमने मेरा जितने सारे भी मुर्गियां हैं आप लोग को दिखा दिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आप लोग को देसी मुर्गी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग ने देख लिया मेरे कितने सारे मुर्गी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।